बस स्टेशन पर छोड़ने आए हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट तो है नहीं, ये लोग लखनऊ से अपनी जर्नी शुरू करेंगे एनआईटी त्रिची के लिए। तो आप इस जर्नी के बारे में जो एक साल में इन्होंने किया, शिवम तिवारी के फादर से पूछना चाहेंगे कि कैसा अभी लग रहा है और क्या आशाएँ हैं इनसे आगे फ्यूचर को लेकर? आशाएँ बहुत हैं, बाकी ये रही कि आप जैसा ही टीचर उनको मिलता रहे और ये आगे बढ़ते रहें, बाकी हम लोग का जो सहयोग है बराबर निरंतर बना रहेगा। बाकी ये अब इनको है कि इनको अपने आप को आगे जो भी हम लोगों ने आपस में मिल करके कम्बिनेशन बना करके और उनको आगे का मार्गदर्शन दिया है, वो इसको अपने आप में अंदर उसी लीग पे चलते रहें, यही उपेक्षा करते हैं इनसे। बाकी अब इनको देखना है क्या करना है। हाँ, मेरी तरफ से और रविकांत रविकांत शुक्ला की तरफ से इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि अच्छा करें जैसा यहाँ पे किया है, और मस्ती कर के साथ साथ पढ़ाई भी ध्यान रखें, खासकर शिवम तिवारी, कार्तिक गुप्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। कार्तिक, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिवम तिवारी, ऐसे ही निरंतर प्रयास करते हैं। हाँ, तो अब जैसा कि फाइनली वो टाइम आ गया है जो हम लोग NIT त्रिची जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी फर्स्ट टाइम है, तो बाकी हम लोग अच्छे से करेंगे, जो भी करना पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी हो सब अच्छे से करेंगे, और शिवम तिवारी का मैं ध्यान रखूँगा। वहाँ पे क्या पढ़ाई के उद्देश्य से जा रहे हो कि मस्ती के उद्देश्य से जा रहे हो, ये पहले बताओ, क्योंकि पापा तो साथ है वहाँ, हम लोग इजिली पहुँच नहीं सकते, तो इसका फ़ायदा तो उठाओगे। बाकी जैसा जो परसेप्शन होता है कि एक फादर ने, एक पेरेंट्स ने पूरे साल हम लोग साथ, हमारे टीचर्स ने हम लोग को गाइड किया, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारे पेरेंट्स की, हमारे टीचर्स की, हमारे जो भी सपोर्टिव्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कोशिश करेंगे कि हम दोनों या फिर जितने स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो उन सबसे एक्सपेक्टेशन रहती है उनके पेरेंट्स की, तो हम लोग उनको ज़रूर पूरा करेंगे।